अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट्स जानो यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जॉबलेस पीपल की तादाद बहुत ज़्यादा है। जॉबलेस होना इस दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। यह प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि बहुत से ममालिक का है। और जब इंसान डिसेबल हो या उसके अंदर कोई भी कमी हो तो फिर तो जॉब हासिल करना और भी मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जिसको एक ऐसी बीमारी लाग थी जिसकी वजह से उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत कम थी। वो हर चीज़ को आम लोगों की नस्बत देर में सीखता था और उसे काम करने में थोड़ी सी दुश्वारी भी होती थी। यह बात है ऑस्ट्रेलिया के लड़के क्ले ल्यूस की, जिसने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। क्ले ल्यूस आम लड़कों की तरह अपने घर को सपोर्ट करना चाहता था और कुछ कमाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ जगहों पर अप्लाई किया, लेकिन उसकी इस बीमारी की वजह से उसको कोई भी अपने पास जॉब पर नहीं रखता था। आखिरकार उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल ही गई, जहां पर उसने वेटर काम करना शुरू किया, लेकिन उसको काम करने में थोड़ी दुश्वारी होती थी। इस वजह से वहां के ओनर ने भी उसको वहां से निकाल दिया। अब क्ले परेशान था कि वो क्या करे। उसने सोचा क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए। उसने अपने घर वालों से इजाज़त ली कि वह लोगों के घरों का कचरा साफ करना चाहता है और इससे पैसे कमाना चाहता है। इसके घर वालों ने इसको इजाज़त दे दी। इसकी माँ इसकी बहुत सपोर्ट करती थी। जैसा कि कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करना मुश्किल होता है, ऐसे ही क्ले ल्यूस के लिए काम करना बहुत मुश्किल था। उसने शुरू में लोगों के घरों की सफाई फ्री में करना शुरू की ताकि वो कुछ कस्टमर्स को इकट्ठा कर सके। उसने 6 महीने तक बगैर पैसे लिए लोगों के घरों की सफाई करना शुरू की। वह डस्टबिन को केमिकल की मदद से इस तरह साफ कर देता था कि ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल नए हैं। लोगों को इसका काम पसंद आना शुरू हो गया। अब लोग इसको कॉल्स करते, ईमेल्स करते और अपने घर पर सफाई के लिए बुलवाते थे। क्ले ने देखते ही देखते एक साल में 90 कस्टमर्स को इकट्ठा कर लिया और अब उसका काम इतना बढ़ चुका था कि उसको अपने साथ काम के लिए कुछ बंदे रखने पड़े। उसने 4 लड़कों को हायर किया जो कि उसकी तरह ही अपने घर को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास वसाइल ना थे। इस तरह क्ले ने, जिसको एक जॉब इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक बीमार शख्स था, लेकिन उसने खुद का एक ऐसा बिजनेस खड़ा करके दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। क्ले का इंटरव्यू दुनिया के नामी गिरामी टीवी चैनल्स ने भी लिया है और उसका कहना है कि वो पैसे इकट्ठा कर रहा है ताकि वो एक क्लीनिंग कंपनी बना सके और बाकी ऐसे लड़के जो कि बीमार हैं और जिनको जॉब्स नहीं दी जाती उनको अपने साथ काम पे लगाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।